सहकारी समितियों के द्वारा धान खरीदी करने के 72 घंटे में उठाव का अनुबंध जिला विपणन अधिकारी से किया जाता है, लेकिन आदिम जाति सेवा सहकारी समिति महावीरगंज में आज भी 35,000 बोरी धान खुले आसमान के नीचे पड़े हुए हैं। यह आलम सिर्फ एक या दो समिति नहीं बल्कि बलरामपुर जिले के कई समितियों में देखा जा सकता है। उठाव के नाम पर सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, तो वहीं कभी धूप तो कभी बारिश से समिति में रखे धान ने चिंता बढ़ा दी है। अब धान खराब होने की कगार पर है। गौरतलब है कि शासन के निर्देश पर 31 जनवरी तक सहकारी समितियों के द्वारा धान की खरीदी की गई थी। करीब करीब जिले के सभी सहकारी समितियों में निर्धारित बफर लिमिट से अधिक धान खुले आसमान के नीचे रखा रहा, जिसके लिए जिले के सभी सहकारी समितियों के प्रबंधकों के द्वारा जिला विपणन अधिकारी से मिलकर ज्ञापन भी सौंपा जा चुका है और उठाव किए जाने की मांग भी की जा रही है। इसके बाद भी उठाव में तेजी नहीं आई, बल्कि यहां कछुए की चाल की गति से ही उठाव होता रहा। वहीं आदिम जाति सेवा सहकारी समिति महावीरगंज में 35,000 बोरियों में 14,000 क्विंटल धान अभी भी खुले आसमान के नीचे पड़ा हुआ है, जो साफ देखा जा सकता है। एक ओर जहां जिले की महावीरगंज सहकारी समिति में खुले आसमान के नीचे धान रखा हुआ है, वहीं कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण चौकीदार भी डर से मौके से फरार है और लावारिस अवस्था में पड़े हुए धान को मवेशी खा रहे हैं। वहीं अब इस संबंध में जिम्मेदार अधिकारी जवाबदेही से बच रहे हैं। ग्रामीणों ने कई बार इसकी शिकायत पत्राचार और व्हाट्सएप के माध्यम से देने की कोशिश की, लेकिन इस ओर विभाग की केवल उदासीनता ही नजर आ रही है। बहरहाल पहले तो कड़क धूप पड़ने से धान में काफी सूखन आने से धान का वजन कम होने का फिक्र सताने लगा, वहीं अब बेमौसम बारिश की वजह से धान के भीगने का तनाव होने लगा है। खुले आसमान के नीचे पड़े धान ने चिंता बढ़ा दी है। जिले के कई समितियों में धान को मवेशी खा रहे हैं। ये आलम सिर्फ महावीरगंज समिति का नहीं, बल्कि कई समितियों में इसी तरह से ही धान खराब हो रहे हैं। महावीरगंज समिति में यहाँ के प्रबंधक कई बार पत्राचार कर तथा मोबाइल से संपर्क कर जानकारी देने की कोशिश की, लेकिन उठाव नहीं हो पा रहा है। क्या ऐसे में पिछले साल के जैसे ही इस वर्ष भी ऐसे ही धान की बर्बादी होगी या कोई जिम्मेदार मामले में संज्ञान लेगा, अब यह देखने वाली बात होगी। यादव, किसान मोर्चा रामानुजगंज, ये महावीरगंज समिति है, धान समिति केंद्र महावीरगंज। यहाँ देख रहे हैं कि खुले आसमान के नीचे धान का बोरा पड़ा हुआ है और अभी तक उठाव नहीं हुआ है और भीज के पूरा सड़ रहा है। शासन का पैसा का बर्बादी है, इसको कोई देखने वाला नहीं है, न कोई शासन, न विधायक, न किसी का इसमें निगरानी नहीं है। गाय बैल खा रहे हैं, पूरा फ्री छोड़ दिए। कुछ नहीं है, वो लोग का काम करने का इच्छा नहीं है। अलाउ हल्ला कर लिए हैं कि 25 रुपया किलो धान खरीदेंगे और खरीद के छोड़ दिए हैं, उठाव नहीं कर रहे। तो शासन का पैसा का बर्बादी ना है, किसान को आज तक पैसा नहीं मिला है। जिम्मत अंसारी नाम है मेरा, महावीरगंज के हैं, धान समिति वाला में चौकीदार रहते हैं, यहाँ देख रेख करते हैं। दो तीन दिन से पानी हो रही है, आप क्या धान भीग रही है कि नहीं? धान तन मैंने तो भीजिए जा रहा है, लेकिन व्यवस्था है तो पानी के लिए, तिरपाल अंदर में है तो उसको निकाल कर भी तोपेंगे। बारिश हो रही है 4-5 दिनों से, लेकिन अभी तक क्यों नहीं तोपा गया? तिरपाल अंदर में है, ऑपरेटर नहीं आया है, आएगा तो नहीं तोप देंगे। देखिए, महावीरगंज समिति में 67,000 कुछ क्विंटल खरीदी हुआ था, जिसमें तकरीबन 12,000 कुछ सौ क्विंटल अभिशेष बचा हुआ है, और जो कि इस महामारी के दौर में ना कोई चौकीदार रह पा रहे हैं, न ही कोई स्टाफ रह पा रहे हैं। सब कोरोना के डर से घर में बैठ के हैं और कोई वहाँ पहरा करने वाले नहीं हैं, और पता नहीं है क्या बोलते हैं। तो जब वहाँ विपणन अधिकारी में हम लोग को 72 घंटा में उठाव का दिया गया था, जे खरीदी करो 72 घंटा में उठाव किया जाएगा, लेकिन आज 72 दिनों में भी 3-4 महीना होने जा रहा है, लेकिन आज तक उठाव नहीं हो पा रहा है। पता नहीं क्या कारण है, क्या कैसे है।